किसान भाइयों को जय श्री राम। मेरा नाम है देव भारद्वाज और जैसे कि किसान भाइयों आप ये प्लांट देख पा रहे हो और यहाँ पे ये क्रेट देख पा रहे हो। अब ज़्यादातर किसान भाई सोच रहे होंगे कि शर्मा जी इस क्रेट के अंदर आप क्या भर रहे हो और ये क्रेट है कि क्यों क्यों ऐसे बेचारा क्यों इस क्रेट के अंदर आखिर क्या डाल रहे हो गोबर सा। तो किसान भाई जैसे कि आपने सुना होगा केचुआ खाद, ठीक है। अब केचुआ खाद किससे बनाया जाता है किसान भाइयों? ये केचुआ से तैयार करा हुआ वर्मी वर्मी केचुआ जो होता है उससे तैयार करा हुआ खाद होता है। अब ये वर्मी केचुआ किसान भाई ये देखिए इस प्रकार से आता है, ये देखो ये होते हैं किसान भाई वर्मी केचुए जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और जो कि गोबर के खाद को केचुआ खाद के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर कुछ महीने के अंदर रेडी कर देते हैं। ये देखिए किसान भाइयों बहुत ही बेस्ट वैरायटी किसान भाइयों ये केचुए की। और जैसे कि आप ये क्रेट देख पा रहे हो यहाँ पे जो हमारे सहायक है, तो ये जैसे कि हमारे वर्मी वर्मी केचुए की बेड़ है, तो बेड़ के अंदर से इस प्रकार से केचुए निकाल रहा है। और ये देखो किसान भाई इस प्रकार से केचुए निकालते हैं, ये देखो ये केचुए के भैया एक बार ये बताना एक बार, ये देखो ये पंजर से निकालते हैं और ये देखो केचुए 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 ये केचुए है। अब इन केचुए को निकाल निकाल के किसान भाई ये क्रेट आती है छोटी क्रेट, जैसे भारत के अंदर से कई किसान हैं वो अपने से केचुए मंगवाते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि ये क्रेट होती है मिनी क्रेट। इस मिनी क्रेट के अंदर हम जैसे कि करीबन 15 से 20 किलो के समथिंग केचुए आराम से आ जाते हैं, तो ये केचुए इसके अंदर हम भरते हैं। ये अखबार से पहले तो ये क्रेट आती है, क्रेट के ऊपर ये अखबार रखते हैं, अखबार के ऊपर फिर ये आती है, फिर पैकिंग होता है और इस प्रकार से ये टोटल किसान भाइयों इस प्रकार से रेडी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार से रेडी हो जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट से ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसान भाइयों हम लोग ये होते हैं केचुए, ये केचुए भिजवाते हैं। डालने के बाद किसान भाइयों आप अपने फसलों के अंदर एक्स वाई जेड कोई सी फसल लगाओ, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, तरोई, लौकी, टिंडा, भिंडी, एक्स वाई जेड कोई सी प्रकार की सब्जी की फसल, या फिर ये मान के चलो बागवानी लगाओ, या फिर एक्स वाई जेड कोई सी भी प्रकार की धान, कपास, गेहूं, कुछ भी लगाओ, खेती आपकी ऐसी बन जाएगी किसान भाइयों, बहुत ही मतलब जैविक खेती हो जाएगी। और जैविक खेती अगर आपकी हो गई तो उसके अंदर प्रोडक्शन आपका काफ़ी अच्छा निकलेगा और रिजल्ट किसान भाई काफ़ी अच्छा निकलेगा। और ये देखिए ये पूरी पूरी क्रेटें भरेगी, और भी क्रेट्स आ रही है, और भी क्रेटें भरेगी, और ये क्रेटें भर के ये अभी जा रही है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जा रही है, सागर जिले के अंदर और गुजरात के अंदर भावनगर, पोरबंदर और जूनागढ़, इधर की तरफ किसान भाई ये हमारी क्रेट जा रही है। और ये देखिए किसान भाई ये होते देसी केचुए, ये देखो काफ़ी ये देखो ये देखो ये होते केचुए, ये देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये कंपोस्ट यानी गोबर से तैयार करा हुआ केचुआ खाद किसान भाई बहुत पावरफुल होता है। आप ये खाद आप अपने घर के ऊपर बनाओ, मैं ये चाहता हूँ कि आप, मैं ये जानता हूँ कि हर किसान के घर के ऊपर गाय होगी, ठीक है। अब जो गाय का गोबर है उस गाय के गोबर को कच्चा खेत के ऊपर डालने के बजाय आप उसको कंपोस्ट करो घर के ऊपर, आप केचुआ खाद बनाओ और उसको घर के ऊपर ही तैयार करके और खेतों के अंदर डालो किसान भाइयों, ठीक है। और आप मिनी केचुआ प्लांट जरूर लगाए अपने खेत के अंदर, बहुत ही ये बेनिफिट देने वाला है। और अगर हाँ अगर किसी किसान भाइयों को केचुआ चाहिए, ये केचुआ चाहिए होता है किसी किसान भाई को नहीं मिलते, तो किसान भाइयों मैं आपके एड्रेस के ऊपर केचुआ भिजा सकता हूँ बाय ट्रांसपोर्ट। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर है, आप डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम किसान भाइयों।